हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर पढ़ा था, लेकिन आज इस वीडियो में जो पढ़ने जा रहे हैं ना, ये कंसेप्ट वाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें तबाही मत मचाना, इसको आराम से देखो। पहले तो इसकी रियल लाइफ एप्लीकेशन बताता हूं। सबसे पहले शुरू करने से, एलईडी जो CFL है, एलईडी बल्ब हमारे घरों में लगे होते हैं ना, कभी नोट किया होगा कि या जब चलाओ तो हल्के से इंस्टेंट के बाद चलेंगे, या बंद कर दो तो ऐसे लगेगा बंद करने के बाद भी ना हल्की सी लाइट इसमें रह गई है। तो आज हम उसका रीजन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। आज का जो टॉपिक है ना, ये है LC ऑसिलेशंस, और ये इसका पहला पार्ट है। अगला पार्ट में हम इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन देखेंगे। ये पहली डायग्राम जो बनी है ये बता रही है मैंने क्या किया। सबसे पहले एक कैपेसिटर को ना, एक बैटरी वी वोल्ट की बैटरी लेके इस कैपेसिटर को चार्ज कर लिया। एक DC बैटरी लेके मैंने इस कैपेसिटर को चार्ज कर लिया। जब ये कैपेसिटर फुली चार्ज्ड हो गया, ओ भाई, जब ये कैपेसिटर फुली चार्ज्ड हो गया तो मैं मान लेता हूं इसकी अपर प्लेट पे पॉजिटिव साइन आ गया, मतलब पॉजिटिव चार्ज आ गया, और नीचे वाली प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की डायरेक्शन में आ गई, और इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी या इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब मैंने क्या किया, मैं बाजार जाके एक इंडक्टर लेके आया और उस इंडक्टर को ना कैपेसिटर के साथ लगा दिया इस तरह। अब बैटरी मैंने हटा दी थी, अब मेरा कैपेसिटर फुली चार्ज था और मैंने उसके साथ एक इंडक्टर ऐसे लगा दिया। ये सर्किट में जिस तरह इंडक्टर लगा, ये अब इसके बाद क्या होगा, LC ऑसिलेशंस का मतलब क्या, उसके बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं। अब जैसे ही मैंने इस सर्किट को कंप्लीट कर दिया, अब पता है क्या होगा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगी ना, या इलेक्ट्रिक एनर्जी, वो मैग्नेटिक एनर्जी में चेंज करने की कोशिश करेगी। होगा क्या, जो ये इंडक्टर है, ये इंडक्टर अब एक तरह से एक बैटरी का काम करना शुरू कर देगा, जिसका पॉजिटिव टर्मिनल ये वाला होगा प्लस क्यू नॉट वाला, और नेगेटिव टर्मिनल माइनस क्यू नॉट वाला होगा। तो इसमें से क्या होगा, करंट पास करना शुरू करेगा। अब ये लगे इंडक्टर भाई साहब, इनका काम क्या है, वो इनके अंदर जैसी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी, ये उसको अपोज करने की कोशिश करेंगे। तो इनका काम क्या होगा, जैसी करंट इंक्रीज करना शुरू होगा, इनका काम होगा उस करंट को घटाने का, ठीक है। तो क्या होगा, इंडक्टर के अक्रॉस जो पोलैरिटी आएगी वो इस तरह आएगी कि ये ओपोजिट डायरेक्शन में करंट फेंक के इस करंट को कम कर सके, ठीक है। अब इससे हुआ क्या, हमारे इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक एनर्जी आनी शुरू हो गई। इसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा इस कैपेसिटर को, ताकि करंट यहां तक पहुंच सके, कोई वैल्यू करंट की आ सके। अब उसी तरह क्या हुआ, करते करते ये सब चल रहा था, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में मैंने दिखाया कि मान लो ये जो कैपेसिटर था ना, इसका जो सारा चार्ज था ये क्या हो गया, डिके, चार्ज खत्म हो गया। बट उस टाइम पे क्या होगा, सर्किट के अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट, ओ भाई, मैक्सिमम करंट उस टाइम सर्किट में आ चुका होगा, क्योंकि सारा का सारा चार्ज ही अब यूज हो गया। अब उस दौरान इस इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी। इस इंडक्टर के अंदर अब मैक्सिमम करंट आने की वजह से यहां पे इंडक्टर के अंदर मैक्सिमम मैग्नेटिक एनर्जी आ जाएगी, इसकी वैल्यू हम ले लेते हैं 12 LI02, वेयर I0 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट इमेज आप देख रहे हो, नंबर 4 वाली, इसके अंदर क्या है, ओ भाई, अब चार्ज मेरा खत्म हो गया। चार्ज खत्म होने के बाद अब कोई और करंट तो आएगा नहीं, बट जो ये करंट था ना, ये डिके होने की कोशिश करेगा, मतलब करंट की वैल्यू कम होने की कोशिश करेगी। और इंडक्टर बोलेगा, नहीं, मैं तेरे को कम होने नहीं दूंगा। इंडक्टर इस चेंज को भी अपोज करेगा, उसकी पोलैरिटी अब रिवर्स हो जाएगी, पोलैरिटी उसकी रिवर्स हो जाएगी। रिवर्स होने से क्या होगा, पॉजिटिव साइन इधर, नेगेटिव इधर। अब जो करंट डिके होने वाला था उसको बनाए रखने के लिए पोलैरिटी रिवर्स हुई और करंट वापस से इसी डायरेक्शन में आ गया। अब इससे होगा क्या,
जो मेरे कैपेसिटर की ये वाली प्लेट थी जहां पे पहले नेगेटिव चार्ज आ रहा था, अब वहां पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। ऐसे करते 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 वही हुआ, सारा का सारा चार्ज एक्यूमुलेट होके यहां पे इस प्लेट पे आ गया और प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज आ रहा था वो ऑपोजिट हो गया। जैसे पहले में लेफ्ट प्लेट पे पॉजिटिव था, अब राइट प्लेट पे पॉजिटिव इकट्ठा हो गया। लेकिन इस केस में ना मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी जो थी, मैग्नेटिक एनर्जी जो थी वो कितनी हो गई, जीरो, और यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई है। ठीक है, अब क्या होना चाहिए, अब इसके अंदर ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट आना आएगा, क्योंकि अब एक तरह से ये प्लेट, ये टर्मिनल एक तरह पॉजिटिव, ये प्लेट कैपेसिटर की पॉजिटिव टर्मिनल का काम करेगी और ये प्लेट नेगेटिव टर्मिनल का, तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ओ भाई ये डायरेक्शन हो जाएगी करंट की। ठीक है, अब फिर करंट आ गया मेरे सर्किट में, इस करंट को अपोज करने के लिए मेरी इंडक्टर में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने करके फिर एक ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट आएगा और इस तरह पोलैरिटीज आ जाएंगी। ध्यान दो, इस जैसे ये करंट इंक्रीज किया मेरी पोलैरिटी इस तरह आ गई और वो इस करंट को अपोज करेगा। अब फिर वही काम करना है, ये देखो, अब जैसे ही करंट मेरा यहां से इंक्रीज होना शुरू हुआ, जैसे ही ये चार्ज पूरा जीरो हुआ, ये करंट कितना हो गया, मैक्सिमम। इस टाइम पे ना इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी मैक्सिमम होगी, मैग्नेटिक एनर्जी कितनी होगी इस केस में, मैक्सिमम, क्योंकि सारे के सारा जो चार्ज था वो करंट की फॉर्म में मेरे सर्किट में आ गया। अब मेरी इस केस में मैग्नेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगेन यहां पे जो करंट था मैक्सिमम होने के बाद, अब यहां से कोई चार्ज तो बचा नहीं सर्किट में भेजने के लिए, तो ये वैल्यू डिके होने की कोशिश करेगी। लेकिन हमारा इंडक्टर जब तक है ना, करंट जिंदाबाद रहेगा, करंट को कम होने नहीं देगा, वो कोशिश करेगा जैसे ही करंट कम हो रहा उसको अपोज किया जाए, तो उसकी पोलैरिटी फिर रिवर्स हो जाएगी और यहां पे पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आना फिर शुरू हो जाएगा और इस पे नेगेटिव। करते 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 सारा करंट जब वैनिश हो गया, तो यहां पे जो चार्ज आएगा ना मैक्सिमम, वो क्यू नॉट दोबारा एस्टेब्लिश हो जाएगा और इस केस में मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी कितनी हो जाएगी, मैग्नेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी इंडक्टर में, जीरो, और इस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम। तो हम यहां से चले, इस केस में पहले हमारे चिपचिपा जो प्लेट से उनके ऊपर चार्जेस रिवर्स हुए, फिर दोबारा हमने वही गेन कर लिया, तो यहां पे यहां से यहां तक पहुंचने में हमारा पूरा एक साइकिल कंप्लीट हुआ है। हम एलसी ऑसिलेशंस के पार्ट टू में देखेंगे कि भाई जो ये फर्क आया ना, ये चेंज आया ना, ये सारा हार्मोनिक है, जो चार्ज ग्रो से लेके डिके हुआ है, जो करंट ग्रो से लेके डिके हुआ है, वो सारा हार्मोनिक है, आपको स्टेप वाइज सारा दिखाया जाएगा। अगर इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज जरूर पूछ लेना। और हाँ, जो एलईडी होती है ना उसके अंदर भी यही काम हो रहा होता है, लेकिन उसके अंदर जो दूसरी बात है वो है कि उसके अंदर डिके हो जाता है क्योंकि रेजिस्टेंस होती है और कोई भी चीज आइडियल नहीं होती। बट ये जो मैंने केस कंसीडर किया, ये क्या है, ये आइडियल केस है, इसके अंदर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है और कोई भी वैल्यू डिके, कोई भी एनर्जी डिके नहीं हो रहा। मैं उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डाउट जरूर पूछ लेना। थैंक यू।